Hello, I'm Arvis Dev. Welcome to my channel. Today we're gonna study MEG01 British Parvi, Unit 6, Story of Nuns, Priests, Tale First. In the previous video, we have completed the general prologue to Canterbury Tale. If you wanna get the access of that particular video, you will find here the I button, press on that button, and you will get the access of the previous video. वहां पे तो हम डिटेल से नॉन प्रीस्ट टेल फर्स्ट को नहीं कर पाए. सो ये आपका एक यूनिट है यहाँ पे. सो लेट्स डिस्कस इट इन अ डिटेल. नॉन प्रीस्ट इज फर्स्ट टेल. इंट्रोडक्शन ऑफ द टेल. इट इज अ टेल ऑफ द कॉक एंड हैन. द नेम ऑफ द कॉक इज चांटिक्लेयर एंड द नेम ऑफ द हैन इज बॉडी लॉर्ड. इट इज वन ऑफ The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer and consists of 626 lines. It is a narrative poem and tale is based on beast fable. इसके introduction की बात करें हम तो यहाँ पे एक मुर्गी और मुर्गी की कहानी. मुर्गी का नाम यहाँ पे पॉटी लॉर्ड है और मुर्गे का नाम यहाँ पे चांटिक्लेयर है. तो ये कैंटरबरी टेल की एक कहानी है जैसा कि आप जानते हैं. इसमें 626 लाइंस हैं. ये नैरेटिव फॉर्म है, मींस जिसमें नैरेट किया गया है, बयान किया गया है. और ये टेल जो है बीस्ट फेबल है, मींस जानवरों की कहानी है. समरी ऑफ द नॉन प्रीस्ट टेल. नॉन प्रीस्ट्स फर्स्ट टेल. तो यहाँ पे नॉन प्रीस्ट फर्स्ट टेल मींस नॉन्स यहाँ पे दो थे, उन्होंने दो कहानियां बताई हुई हैं, नॉन सेकंड टेल और नॉन प्रीस्ट फर्स्ट टेल. तो ये फर्स्ट टेल इसीलिए इसको कहा गया है और सेकंड टेल हम दूसरे यूनिट में डिस्कस करेंगे. द प्रोलॉग क्लियरली लिंक्स द स्टोरी विद द प्रीवियस मॉन्क्स टेल, अ सीरीज ऑफ शॉर्ट अकाउंट्स ऑफ द टॉपल्ड डिस्पोर्ट्स क्रिमिनल्स एंड फॉलन हीरोज विद द प्रॉम्प्ट्स एंड इंटरप्शंस फ्रॉम The knight. The host uphold the knight's complaint and orders the monk to change his story. The monk refuses, saying he has no lust to tell the next tale. So the host calls on the non-priest to give the next tale. There is no substantial depictions of this character in the Chaucer's general prologue, but in the tale's epilogue, the host is moved to give a highly approving for it. Which highlights his great physical strength and presence. Nun Priest's Tale tells a story of cock and hen. तो इसका प्रोलॉग मोंकी टेल के साथ लिंक करता है, क्योंकि मोंकी टेल ने बहुत सारी स्टोरियां बोली हुई हैं, जिसमें टॉपल द स्पोर्ट की हैं, क्रिमिनल्स की हैं, फॉलन हीरोज की हैं, और नाइट जो है इसको ये कहानियां अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो होस्ट को कंप्लेंट करता है, शिकायत करता है कि मुझे ये कहानी अच्छी नहीं लगती. तो वो उसकी शिकायत को आगे लेके जाता है और मॉन्क को कहता है कि वो अपनी स्टोरी को चेंज करे, मींस या वो दूसरी स्टोरी बोले या बोले ही नहीं. लेकिन मॉन्क यहाँ पे मना कर देता है, पूरा इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि उसकी अब ख्वाहिश नहीं है कोई और कहानी बोलने की. होस्ट अब इजाजत देता है नॉन प्रीस्ट टेल, सॉरी नॉन प्रीस्ट को, कि वो दूसरी कहानी पेश करे. अगर हम देखें तो जो चासर का प्रोलॉग है वहां पे इसका कोई भी हमें कंसोलिडेटेड या सबस्टेंशियल जो है डिपिक्शन नहीं मिलता है, मींस कोई आइडिया प्रोलॉग में चासर नहीं देता है नॉन प्रीस्ट टेल की. लेकिन यहां पे जब इसका खात्मा हो जाता है तो होस्ट काफी ज्यादा खुश होता है और इस कहानी को पसंद करते हुए उसकी स्ट्रेंथ या उसकी ताकत और उसकी मौजूदगी का बहुत बड़ा जो है वो मुजाहिरा करता है, यानी उसकी तारीफ करता है. किसकी? नॉन प्रीस्ट की. तो यहाँ पे नॉन प्रीस्ट अपनी कहानी शुरू कर देता है जो कहानी मुर्गे और मुर्गी की है. The feeble concern evolves of talking animals who reflect both human perceptions and policy. Its protagonist is Chanticleer, a proud cock.
a proud hawk roost who dreams of his approving dooms in the form of a fox. Frightened, he awakens body lords. The chief favorite among his seven babies, she assures him that he only suffers from the indigestions and giants him for paying heed to a simple dream. Chanticleers recount the story of prophets who foresees their death, dreams that came true, and dreams that were more profound. Chanticleer is comforted and proceeds to wear a new day. Unfortunately, for the Chanticleers, his own dream was also correct. It was the truth that the same fox who had previously tricked Chanticleer's father and mother to their downfall. ये जो कहानी है, ये जानवरों की कहानी है. लेकिन इसमें जानवर और इंसान इंसान उसकी नजरिए को और उनकी गलतियों को रिफ्लेक्ट किया गया है, उनका अक्स बनाकर पेश किया गया है. इसमें जो हीरो है वो है चैंटिक्लेयर, जो काफी अपने आप पे फखर करता है और वो ख्वाब देखता है. ख्वाब में ये देखता है कि एक लूमड़ी जो उसकी तरफ आती है और उसका खात्मा कर देती है, उसको मार देती है, उसका काम तमाम कर देती है. वो डर जाता है, ऊपर उठता है. उसकी बीवी जिसका नाम पर्टीलोट होता है और उसको बोलता है, जो उसकी फेवरेट सात बीवियों में होती है, लेकिन वो उसको ये बावर करवाती है कि जासर की एक बिट है, एक किस्म का जो है इशारा है ह्यूमन की तरफ भी. तो यहां पे वो ये उसको बावर करवाती है और कहती है कि इसका हाजमा खराब हुआ है और इसको डांटती है कि उसको ये जो सिंपल सा ख्वाब है इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए. अब होता क्या है कि चैंटिक्लेयर इसको कुछ पैगंबरों की कहानियां बताता है और बोलता है कि उन्होंने जो पेशन गोई की थी वो सच थी, वो मर चुके थे और उनके ख्वाब जो हैं सच हुए थे और उनके ख्वाब गहरे भी होते थे. चैंटिक्लेयर अब यहाँ पे अपने आप को थोड़ा कंफर्ट जो है वो करार देता है या अपने आप को एक अच्छा महसूस करता है और नए दिन की शुरुआत करता है, नए दिन को सलाम करता है. लेकिन बदकिस्मती से चैंटिक्लेयर के लिए उसका ही ख्वाब बिल्कुल सच निकला और ये बिल्कुल सच था कि जो लूमड़ी उसको खाने आई थी उसने उसके बाप को भी बड़ी चालाकी के साथ, बड़े धोखे के साथ और उसकी माँ को भी बड़े धोखे के साथ खा लिया था. When the chanticleer goes out in the yard, the fox plays to his prey's inflated ego and overcomes the cock's instinct to escape by insisting he would love to hear the chanticleer's crow, just as his amazing father did, standing on the tiptoe with neck outstretched and eyes closed. When the cock does so, he is promptly snatched from the yard by fox in his jaws and slung over his back. As the fox plays through the forest with the entire yard's dog giving chase, the captured chanticleer suggests that he should pass to tell his Sorry.
sorry, he should pass to tell his perceivers to give up. The predator's own pride is now his undoing. As the fox opens his mouth to taunt his perceivers, Chanticleer's escapes from his jaws and flies into the nearest tree. The fox tries in vain to convince the very rooster of his repentance. It now prefers the safety of the trees and refuses to fall for the same tricks a second time. अब चांटिक्लेयर क्या करता है, अपने आंगन में चला जाता है. लेकिन जो उसका फखर होता है, जो उसका घमंड होता है, लोमड़ी अब उसके घमंड के साथ खेलती है. और उसकी जो जुबलत है उसको कम करती है ये इसरार करते हुए कि वो बहुत प्यार करती है उसके बांग से, या वो उसकी बांग सुनना चाहती है. क्योंकि उसका जो बाप था वो जब देता था तो तब वो सुनती थी. अब जब इसको वो इसकी चापलूसी कर रही होती है तो ये एकदम से खड़ा हो जाता है अपने टिप टॉप से, यानी कि पैरों के पंजों पे खड़ा हो जाता है वो. उसकी गर्दन जो है फैल जाती है, आंखें बंद हो जाती. जब मुर्गा ये सब कुछ कर रहा होता है तो वो इसको बड़ी तेजी के साथ पकड़ लेती है आंगन से अपने जबड़ों में. जब जबड़ों में पकड़ लेती है फिर क्या होता है, और उसको कमर से पकड़ लेती है. अब क्या होता है, और जो ही वो लोमड़ी वहां से जाती है जंगल से, तो जो एंटायर या जो मुकम्मल आंगन होता है उसके जो कुत्ते होते हैं वो उसके पीछे पड़ते हैं, और जो मुर्गियां हैं वो आवाजें देती हैं. तो जो पकड़ा हुआ मुर्गा जिसका नाम चंटिक्लेयर है वो इसको एक आइडिया देता है और बोलता है रुक जाओ, और अपने इन ताकुब करने वालों से ये कहो कि छोड़ दो, मतलब मुझे छोड़ दो. अब जो ये ये जो फॉक्स है, अब ये भी काफी हद तक अपने आप पे फखर करता है. और यहाँ पे प्रीडेर का वर्ड यूज हुआ है. सो प्रीडेर का यहाँ पे मतलब है कि अपने आप पे फखर करना, राइट, यानी गारत कर, या आप इसको कह सकते हैं कि ये जो शिकार करने वाला था अपने आप पे फखर करता है, अपने उस प्राइड पे, अपने गुरूर पे. और वही गुरूर जो है इसका जो है अनडॉइंग बना, लेकिन तबाह हो गया अपने गुरूर से. जो ही लोमड़ी ने अपना मुंह खोला जो उसका ताकुब कर रहे थे उनको ताना देने के लिए, तो चंटिक्लेयर उसके जबड़ों से बाहर आया और वहां नजदीकी दरख्त पे चढ़ गया. फॉक्स ने बहुत सारी कोशिश की थी इसको कन्विंस करने की, लेकिन अब वो सबक सीख चुका था. अब वो एक अच्छी जगह पे था, यानी कि उसकी सेफ्टी उस दरख्त पे थी. उसने उसको इनकार कर दिया जो ट्रिक वो दूसरी टाइम भी उसके साथ खेलना चाहती थी. The nun's priest is characterized by the way that he elaborates his slanderous tale with the big parallel drawn from the ancient history and jewelry, giving a display of learning which, in the context of the story and its cause, can only be comic and ironic. But in the contrast, the descriptions of the poor widow and the chicken's yard of her country courage
with which the tail opens is true to life and has been coded as authentic in descriptions of the living conditions of the medieval peasant. By the way of conclusion, the nun priestess goes on to reconcile the superstitions of his godly performance with the simplicity of the tales within the priming narrative by admonishing the audience to be careful of the reckless decisions and of trust on flattery. Nun priest tale. जो उसने बयान की कहां से एंशंट हिस्ट्री और चैवलरी से, तो यहां पे इस टेल में बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन ये एक उसकी स्लैंडर टेल थी। स्लैंडर टेल मींस एक कमजोर सी कहानी थी, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला क्योंकि एक मॉरल स्टोरी थी। इसके कंट्रास्ट में इसकी जो डिस्क्रिप्शंस ऑफ द पुअर विडो और जो चिकन यार्ड उसके कंट्री कॉटेज की थी, जिनके साथ ये कहानी शुरू हुई है वो बिल्कुल सच्ची है, जिंदगी इसके साथ जुड़ी हुई होती है, और इसको ऑथेंटिक एज अ ऑथेंटिक इन डिस्कशन ऑफ लिविंग कंडीशन जो मेडिवल पीजेंट है उनके साथ रिलेट किया गया। लास्ट पे कंक्लूजन इसका जो निकलता है कि प्रीस्ट जो है वो ये तसल्ली देता है, ये बोलता है कि आपको कठोर बनना चाहिए, आपको एक इसमें मेल होना चाहिए, जो आपका कॉर्टली परफॉर्मेंस है, जो आपका दरबारी परफॉर्मेंस है उसमें, और उसमें सिंपलिसिटी होनी चाहिए कहानी में, और विद इन द फ्रेमिंग नैरेटिव वहां पे एक एडमोनिशिंग ऑडियंस होनी चाहिए। एडमोनिशिंग ऑडियंस इन द सेंस के जो सुने, जो समझे, जो कान खोलकर सुने और सुनने के बाद उस पर अमल करें, यानी टू बी केयरफुल ऑफ द रेकलेस। सो रेकलेस का क्या मतलब होता है? बेफिक्र डिसीजन, मतलब वो वाले डिसीजन जिनमें नुकसान हो। और यहां पे उसने ये बोला कि ऑफ ट्रस्ट ऑन फ्लेरी, तो फ्लेरी पे जो है ट्रस्ट नहीं करना है। अगर कोई किसी की चापलूसी करता है तो उस पर ट्रस्ट करके इंसान का वकार खत्म हो जाता है, तो वो नुकसान में आ जाता है, जैसा कि कहानी में बताया गया। तो यहां पे नॉन प्रेस्ट टेल की कहानी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। सो आई गोना एंड दिस शो, एंड प्लीज इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब द चैनल, शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, कीप द थम्स अप, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करो और मुझे लिखो अगर आपको समझ ना आई हो, तो मैं आपके लिए एक और सही से वीडियो लेकर आऊंगा। मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।